तो हम दोस्त न्यूक्लियर फ्लिक एडिशन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब लोगे ना तो प्रोडक्ट के रूप में जो बनेगा उसका नाम है हाइड्रोजोन। क्या नाम है? हाइड्रोजोन। तो हाइड्रोजोन आर फॉर्म और जोन बनेगा डोन। ठीक है, यहाँ देखना हाइड्रोजन रहेगा, जब जीन रहेगा तो क्या बनाना? जोन। तो हाइड्रोजन क्या बनेगा? हाइड्रोजोन। देखो यहाँ पे ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इस कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ हाइड्रोजन रख दिए तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। और दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप ले लिए तो एसीटल्डिहाइड। दो कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एसीटल्डिहाइड। और इथेन क्या हो गया? इथेनॉल। क्या हो गया? इथेनॉल। तो इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? हाइड्रोजन के साथ। देखो हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? जो कि मेरा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। मतलब जब अमोनिया का फॉर्मूला H3 हो गया, एक हाइड्रोजन हटाओ फिर एक और अमाइन लगा दो, जब दो अमाइन फंक्शन ग्रुप आ जाता है ना, इसी बोलते हैं N2H4। और N2H4 इसी का नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और कैटलिस्ट क्या लेंगे? H2SO4। और H2SO4 को दिखाएंगे कैसे? H+ के रूप में। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है, उसी तरह दो हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है, तो वाटर निकल गया। ओके, अब देखो इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप और एक तो हाइड्रोजन ग्रुप, क्या लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड और CH। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर दे दिया डबल बॉन्ड। फिर आगे बढ़े तो यहाँ नाइट्रोजन दिखा, यहाँ पर लिख दिए नाइट्रोजन। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और NH2 दिखा, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और NH2। ओके, यहाँ पर देखो रिएजेंट ये हाइड्रोजन, इससे प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कहाँ से बन रहा है? एसीटल्डिहाइड से। तो इस प्रोडक्ट का नाम हो गया हाइड्रोजन ऑफ एसीटल्डिहाइड। हाइड्रोजन ऑफ एसीटल्डिहाइड। तो बोलो जब एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट में दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त, ये हमारा कार्बोनिक ग्रुप है, और कार्बोनिक ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में अगर दो ठो मिथाइल ग्रुप आ जाए तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? एसीटोन। क्या हो गया नाम? एसीटोन। और यूपेनियम बोलो प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल। रिएजेंट के रूप में किसको लेंगे? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेनॉल कैसे होगा? क्या प्रोपेनॉल? तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ना टू नंबर पर ऑन। अब दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके भाग रहा है, तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उस तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके भाग किया और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब इस कार्बन पर कितना मिथाइल ग्रुप झुला हुआ है? दो ठो। इस कार्बन पर दो ठो मिथाइल ग्रुप को झुला दिए। अब देखो मामला, फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड मिला, और डबल बॉन्ड पर कौन जुड़ गया? नाइट्रोजन। यहाँ लिख दिया डबल बॉन्ड N। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड NH2 था, यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड और NH2। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। रिएजेंट क्या है हमारा? हाइड्रोजन।
रिएजेंट का नाम क्या है दोस्त? हाइड्राजिन। तो हाइड्राजिन से क्या बनेगा? हाइड्राजोन। और सबस्ट्रेट में क्या है? एसीटोन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन। हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन। अब बताओ हमको, अगर हम एसीटोन ना लेके एसीटोफिनोल लेते, यहाँ क्या बन? एसीटोफिनोल। और अगर यहाँ बेंजोफिनोल लेते तो हाइड्राजोन और बेंजोफिनोल। हम एसीटोन को इसे यूज करेंगे, यहाँ पे भीड़ भाड़ क्या है? कम। भीड़ भाड़ कम तो रिएक्शन का स्पीड ज्यादा, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा और बनने का समय भी कम और एसिडिटी भी ज्यादा। तीसरा हमारा फुल एचजी में रिएक्शन विद हाइड्राजिन खत्म।